नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ मीठा, क्योंकि काफी टाइम हो गया हमने मीठा नहीं बनाया। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोहन थाल। मोहन थाल बनाने के लिए यूं तो हमारे को मोटे बेसन की जरूरत होती है, लेकिन अगर आपके पास मोटा बेसन भी नहीं हो तो मैं आपको आज एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे आपके नॉर्मल बेसन जो होता है उससे भी आप मोहन थाल बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो दानेदार हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं मोहन थाल बनाना। मोहन थाल बनाने के लिए मैंने इस कप से सारा मेजरमेंट लिया है। इस कप को मैंने, ये 2 कप भर के मैंने लिया है बेसन, और इसमें 1 कप लिया है मैंने ये और दूध, और इसका आधा कप हमने लिया है घी। इस कप का जो मेजरमेंट है हमने तो इस कप के हिसाब से लिया है, लेकिन इसकी अगर आप नाप देखेंगे तो ये 250 ml है, ये 250 ml है, इसी से हमने सारा मेजरमेंट लिया है। 250 ml के हिसाब से 2 कप हमने लिए, तो 500 ml तो हमारा हो गया बेसन। अब हम इसके अंदर 2 टीस्पून डाल रहे हैं देसी घी। बेसन में देसी घी डाल रहा हूँ, पहले में 2 टीस्पून मैंने देसी घी डाला है, बल्कि थोड़ा सा और ले लिया, ढाई ढाई टीस्पून ले लिया। इसमें 2.5 टीस्पून मैंने इसमें देसी घी लिया है, और 2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगा दूध। सारा मेजरमेंट हम इसी हिसाब से कर रहे हैं, आप मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा मोहन थाल बनेगा। अब हम इस बेसन को मिला लेते हैं अच्छी तरह से, और इस तरह से करके हम इसको, इस तरह से हम बेसन को मिला लेंगे, ये हो रहा है, और इसको ऐसे करके पूरा हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इस बेसन को हमने देखिए अच्छी तरह से दूध और घी इसमें डाला था, मिला के इसको रगड़ लिया है, अच्छी तरह से मसल लिया है। अब ये एकदम बिल्कुल दानेदार बेसन हो गया है। इसका जो मोहन थाल बनेगा वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। मोहन थाल में मोटे बेसन की जरूरत होती है, ये हालांकि मेरे पास तो मोटा बेसन ही था, लेकिन फिर भी इसमें मैंने मिलाया तो दाना इसका फूल गया है, एकदम दानेदार बेसन हो गया है। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। हम इसको आधे घंटे रख देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे बनाना। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा हमारा हो गया है इस बेसन को रखे हुए, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने गैस ऑन कर दी है, और इसके अंदर हमने 1 कप घी डाला है। 2 कप हमने बेसन लिया था, तो 1 कप हमने इसमें घी लिया है। घी मैंने इसके अंदर 2-3 चम्मच छोड़ के सारा डाल दिया है, वो मैं बाद में भी यूज करूंगा। घी हमारा गर्म हो जाए फिर हम इसमें ऐड करते हैं बेसन। जो बेसन हमने आधे घंटे पहले रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी पड़ेगी, और इसको हम धीमी धीमी आंच के अंदर ही हम सेकेंगे। अब हम इसको जब तक चलाएंगे, धीमी धीमी आंच में सेकेंगे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको कंटिन्यूअसली चलाएंगे। कम से कम 10 से 12 मिनट हमारे को इसको चलाने में लगेंगे। बेसन को सिकते हुए हमारे 5 से 7 मिनट हो गए हैं, और देखिए बेसन में धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। अब ये और थोड़ा सा हो, जब भुन जाएगा तो इसका कलर और भी चेंज होगा। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसको हमें 5 से 7 मिनट करीब और लगेंगे सेकने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा बेसन काफी अच्छा भुन गया है। अब इस समय हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध। ये देखिए, इसको दूध को धीरे धीरे करके हम इसके अंदर डालेंगे, जिससे ये अच्छी तरह से सीख जाए। इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे और दूध को हम डालते रहेंगे इसके अंदर। ये दूध डालने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये सारा सूख गया है, लेकिन ये सिक जाएगा तब दूध वापस छोड़ देगा, घी वापस छोड़ देगा। ये देखिए कितना अच्छा ये हमारा हो गया है। हमने इसके अंदर 1 कप दूध डाल दिया है। अब हम इस बेसन को
अच्छी तरह से और भूनने देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, दूध डालने के बाद हमारा इसका बेसन का कलर कितना अच्छा हो गया। इस समय थोड़ा सा घी और ऐड कर रहा हूं, साथ ही मैं इसके अंदर अब ऐड करूंगा थोड़ा सा रेड कलर, थोड़ा सा मैं कलर इसके अंदर ऐड करूंगा क्योंकि हमें मोहनथाल का कलर लाना है। इसके अंदर मैंने रेड कलर ऐड कर दिया है। अब ये हमारा जो है इसको हमें और सेकना पड़ेगा, तो ये घी छोड़ देगा। इधर हमारा बेसन भुन रहा है, जब तक ये और थोड़ा सा पकेगा जब तक करते हैं। बाकी इसी मेजरमेंट से, इसी कप के मेजरमेंट से मैंने एक कप चीनी ली थी और चीनी लेके मैंने उसकी चाशनी बना ली है। एक कप चीनी ली है और आधा कप इसका पानी लेके हमने चाशनी तैयार की है। दूसरी जगह चाशनी तैयार हुई है। अब जब तक ये तैयार होता है चाशनी भी तैयार हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर चाशनी ऐड करेंगे। इसमें मैं थोड़ी सी इलायची का पाउडर डाल रहा हूं जिससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। अब देखिए ये बेसन हमारा घी छोड़ने लगा है। अब 5 मिनट करीब और लगेंगे, 2-5 मिनट लगेंगे। इसके अंदर हम चाशनी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स बेसन हमारा बहुत अच्छी तरह भून के तैयार हो गया है। इधर हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है। अब हम इसमें चाशनी ऐड कर देते हैं। आप देखेंगे इस मोहनथाल में मैंने ना कोई मावा डाला है, ना कोई मिल्क पाउडर डाला है, और उसके बावजूद भी ये देखिएगा बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। हमने इसमें चाशनी ऐड कर दी है। अब इसको हम जब तक लगातार चलाएंगे जब तक इसकी चाशनी सूख नहीं जाती और ये फूल नहीं जाता। हमारा मोहनथाल करीब करीब बन के तैयार है। इसमें 5 से 7 मिनट और लगेंगे और हमारा मोहनथाल तैयार हो जाएगा। लीजिए दोस्तों, हमारा मोहनथाल बनके एकदम है तैयार। अब हम इसको एक ट्रे के अंदर जमा देते हैं। मैं आपको दिखाता हूं इसको कैसे आगे करना है। हमारी चाशनी सारी सूख गई है और हमारा ये मोहनथाल एकदम बनके तैयार है। हम इस ट्रे के अंदर इसको सेट कर देते हैं। एक मैंने ये ट्रे ले ली है, इसके अंदर बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर के ऊपर ये डाल के अब मैं इसको जमा देता हूं। ये हमारा मोहनथाल एकदम बनके तैयार है। अब हमें इसको 4-5 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा और उसके बाद जब ये सेट हो जाएगा फिर मैं इसमें आपको आगे का प्रोसीजर दिखाऊंगा कि ये कैसा बना है और कितना सॉफ्ट और कितना टेस्टी बना है। लीजिए हमारा मोहनथाल हमने इसको जमा दिया है। अब इसको 5 से 7 घंटे के लिए इसको रखेंगे और जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा बेसन का मोहनथाल। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गया है और बहुत अच्छी इसके अंदर स्मूथनेस आई है। अब हम मैं इसको काट के बताता हूं आपको। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट है और कितनी आराम से ये कट रहा है। ये देखिए बहुत ही अच्छा तरीके से कट रहा है। ये देखिए ये हमने नीचे बटर पेपर लगा रखा है इसलिए अब ये देखिए कितनी आराम से स्मूथनेस से एकदम। देखिए दोस्तों,
ये कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है, ये देखिए कितना मुलायम, इसके अंदर दानेदार दानेदार दिख रहे हैं और कितना सॉफ्ट है ये, एकदम एकदम देखिए ये कितना अच्छा, ये देखिए बिल्कुल ये मुंह में रखते ही घुल जाएगा, इतना टेस्टी बना है। आप इसको एक बार जरूर बनाइए और टेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा है। इसमें ना तो कोई मावा है ना मिल्क पाउडर है, बिना किसी उसके, ये देखिए कितनी सॉफ्ट बना है मोहन थाल। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।